बिग बॉस ओटीटी इस बार बॉक्सिंग रिंग से कम नहीं है। शो में इस बार देश के जाने माने पत्रकार से लेकर इंटरनेशनल बॉक्सर्स तक आए हैं। वहीं इस बार शो में आई हैं गांव की देसी इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी। शिवानी जहां पूरे देश में फिलहाल अपने सिंपल पहनावे और गांव की भाषा के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं घर के अंदर के लोगों में ये कुछ बहा नहीं रहा है। घर वाले लगातार शिवानी के पहनावे, बोलने और चलने के ढंग को लेकर उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते कई बार शिवानी को घर में रोते हुए भी देखा गया है। अब इस सब के बाद शिवानी की मां का इस पर रिएक्शन आया है। शिवानी की मां ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बेटी को लेकर काफी कुछ कहा है। घर में शिवानी के साथ हो रही ट्रोलिंग को लेकर उनकी मां बोली कि मुझे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मेरी बेटी को वो सब परेशान कर रहे हैं। लोग जब शिवानी से लड़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम बस यही खुशी मनाते हैं कि हमारी बेटी इतने बड़े शो पर गई है और अभी वहां पर टिकी हुई है और साथ ही साथ नए दोस्त भी बना रही है। शिवानी की मां ने फिर से शिवानी की चोट को लेकर कहा कि उसको चोट लग गई थी और उसी की वजह से वो रात में बाहर बैठकर भी रो रही थी। उसको देखकर मुझे भी रोना आ जाता है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरी बेटी अनिल कपूर जी से मिलेगी, हमने तो उन्हें हमेशा ही टीवी पर देखा था। इसी के बाद आपको बता दें कि हाल ही में एक टास्क के दौरान शिवानी और पॉलमी को एक दूसरे से धक्का लग गया था, जिसकी वजह से पॉलमी गिर गई थी, जिसके बाद घर में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और साथ ही साथ शिवानी को अनिल कपूर ने भी काफी कुछ सुना दिया था। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।